ये बच्चे बात कर रहे हैं कि हम छात्र हित को छात्र हित है, ये बच्चे छात्र बताएं जो करेगा अभी बता दीजिए। अगर मर जाएगा अभी 12 लाख रुपया लगा के 10 लाख लग रहा है पैसा, ऊपर से जाते हैं सब प्रत्याशी क्या करते हैं पता आपको प्रत्याशी हमें नहीं पता। आप कह रही है तो 2 बजे रात में मैं घूमने भी जाता हूँ क्षेत्र में, अगर एक बार बहन कल एक बहन फोन की थी कि भैया मुझे ये दिक्कत है इस सिगरा पे तो मैं किसमें पढ़ती है आप? BLLB 7 सेमेस्टर में। क्या हुआ है आज? हम लोगों की क्लासेस बहुत अच्छे से चल रही थी, फॉरेंसिक साइंस की क्लास चल रही थी, कुछ छात्र संघ नेता आए और उन्होंने क्लास बंद करवा दिया, इसलिए क्योंकि हमारा जो प्रशासन है विश्वविद्यालय प्रशासन वो हमें उन लोगों को तारीख नहीं दे रहा है चुनाव की, तो हम पूरा विधि संकाय इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं, हमारी क्लासेस नहीं सस्पेंड होनी चाहिए किसी भी। हम लोग अपनी चीफ प्रॉक्टर मैडम के पास गए और मैडम ने हमारा समर्थन किया, हमारी क्लासेस फिर से स्टार्ट हो रही है। प्रतिभा से किसमें पढ़ती हैं आप? BLLB 3rd सेमेस्टर। अभी क्या हुआ पढ़े? अभी हम लोग चीफ प्रॉक्टर मैम के पास मिल के आए हैं, मैम ने हमारी क्लासेस फिर से वैसे ही चालू करवा दिए हैं। अब क्या क्यों बंद किया गया था? ये इलेक्शन के वजह से, इलेक्शन की डेट नहीं आ रही थी, इस वजह से सारे नेता सारे जगह क्लासेस बंद कराए थे, BA BSc हम लोग कुछ नहीं जा रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोग की क्लासेस सस्पेंड हो गई थी। अभी क्या हुआ? अभी हम लोग क्लासेस सस्पेंड, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास में, सस्पेंड हो गई क्लास, तो हम लोग वही मैम के पास गए, कंप्लेंट की, मैम ने फिर से स्टार्ट किए क्लास। चैनल भी बंद कराया गया है? हाँ, क्योंकि अब कोई बाहर ही नहीं आएगा, जिसको पढ़ना रहेगा वो क्लास में बैठ के पढ़ेगा, सिंपल है। डॉक्टर शिल्पी गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में। क्या घटना हुआ यहाँ पर? घटना कुछ नहीं, वो चुनाव की तिथि को लेकर थोड़ा सा बवाल चल रहा था 2-4 दिन से, तो यहाँ क्लासेस चल रही थी प्रॉपरली, बट आज सुबह कुछ बच्चे आए बोले कि नहीं बंद होगा, तो वही बंद किया था, बट प्रॉक्टर मैडम आई और उन्होंने अगेन बोला कि नहीं आप बंद करके क्लास चलाइए, कुछ होगी तो हम देखेंगे। तो कितना देर विद्यालय बंद किया? थोड़ी एक क्लास का लॉस हुआ है हम लोगों का, तो सुबह से तो बंद हुआ, आधा घंटा एक घंटा कुछ बंद हुआ है बस, ज़्यादा कुछ नहीं। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, अभी प्रॉक्टर मैडम आई थी जस्ट अभी, तो उन्होंने बोला है कि आप चलाइए चैनल बंद करके, यदि कुछ होगा तो हम देखेंगे, हम संभालेंगे। वाणिज्य विभाग में सेमेस्टर परीक्षाएं कुछ चल रही थी, अपने उनके टेस्ट थे, छात्र वहां जाके जो भावी प्रत्याशी हैं जो कल से धरने पर बैठे हैं वहां करीब 100 की संख्या में पहुंचे, बच्चों के जो क्वेश्चन पेपर थे उसको अपने हाथों में ले लिए और बच्चों को धमकाने लगे कि आप कमरे से बाहर जाइए, आप ये करिए, आप वो करिए। छात्राएं काफ़ी डरी हुई थी, वहां के डीन का फ़ोन आया कि मैडम यहां पर 100 की संख्या में छात्र आ गए हैं और वो परीक्षाओं को प्रभावित कर रहे हैं। मैं वहां पर पहुंची और छात्रों से निवेदन की कि परीक्षाएं आप चलने दीजिए, परीक्षा चलना छात्रों के भविष्य की बात है और आप तो वोट ही मांगते हैं छात्र हित में, छात्र भविष्य के लिए, परीक्षा को बंद करना विद्यापीठ के हित में नहीं है, न ही छात्रों के हित में है, न ही आपके हित में है, लेकिन बच्चों ने इस चीज़ों को मतलब कि स्वीकार करना तो दूर की बात है। अब तो शब्द भी वहाँ के टीचरों को बोले मनमानी ढंग से, एकदम आतंक मचा के वहाँ पर खड़े रहे। बच्चों का आरोप है कि मैं बहिष्कार कर दूँ चुनाव को, चुनाव का बहिष्कार करने की बात है, विद्यापीठ ने छात्रों का पूर्ण सहयोग दिया है, हमने पूरे मतलब की संभावित तिथि भी उनको उपलब्ध कराई, चुनाव अधिकारी की घोषणा भी हुई है, लिंग दो की कमेटी में साफ निर्देश है कि जब तक प्रशासन से अनुमति नहीं मिलेगी कोई भी विश्वविद्यालय चुनाव नहीं करा सकता, तो हमें प्रशासन से अनुमति मिल जाएगी मैं चुनाव करा दूंगी।
और स्टूडेंट और नेताओं में नोकझोंक हुई है क्योंकि बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो नेता से क्या मतलब है? बहुत से छात्रों का कहना है कि लगभग काफ़ी फैकल्टी के छात्रों का ये कहना है कि हम पढ़ने के लिए आते हैं, हमारी क्लासें चलाई जाए, अगर बच्चों को छात्र संघ चुनाव कराना है तो धरना स्थल पर बैठ के अपनी मांग को रखे, शांतिपूर्ण रखे, महात्मा गांधी जी की संस्था है तो अपने सत्य के मतलब कि अपने अंदर मानवता रख के काम करें, ना कि पढ़ने वाले बच्चों को हाथ पकड़ के क्लासरूम से बाहर निकलना, जबरदस्ती परीक्षाओं को रोकना, ऐसे कार्य को न करें। छात्रों ने बहिष्कार किया कि उनसे चुनाव पर वोट नहीं देना है, इसका क्या मतलब है? अब छात्रों का अपना बहिष्कार है कि हम वोट नहीं देंगे, तो छात्र भविष्य में क्या करेंगे तो छात्र ही बता पाएंगे, मैं कैसे कह दूँ कि छात्र क्या करेंगे। लेकिन हाँ, काफ़ी छात्र लॉ फैकल्टी के छात्रों ने कहा कि हम ऐसे पदाधिकारियों को पसंद नहीं करते जो हमारी परीक्षाओं को रोक दे, हमारी क्लासों को बंद कर दे। वैसे सोशल वर्क के भी छात्रों ने वहाँ खुले मंच से कहा एक तरह से कि हम ऐसे छात्र संघ के अध्यक्ष को नहीं पसंद करते जो हमारे भविष्य से खिलवाड़ करें, हमारी कक्षाओं को बंद करके हमारे भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। मेरा नाम प्रफुल्ल पांडे, मैं पूर्व शताब्दी छात्र संघ महामंत्री हूँ। जी, आज क्लासेस बंद हुआ है, कराया गया है, क्या मामला? मामला ये कि यहाँ पर 7 तारीख को नामांकन डेट दिया गया था और 17 तारीख को चुनाव वोटिंग कराने का भी डेट दिया गया था और इसमें 2 दिन से लगातार संघर्ष हो रहा है विश्वविद्यालय में। VC कह रहे हैं कि हम प्रशासन से आदेश लेंगे, प्रशासन कभी यहाँ 3-5 कर रहे हैं बस, और बार बार कल भी जाकर कैंप क्लास में घुस के रिक्वेस्ट करके भाइयों बहनों से, जिसमें कि भाई बहन बहुत समर्थन भी दे रहे हैं यहाँ पे। आज भी क्या हुआ कि विश्वविद्यालय में जाकर MSW डिपार्टमेंट में भी जाकर भाई बहन जो है वो जवाब क्वेश्चन भी किए वहाँ पे कि क्यों भैया ऐसे क्यों हो रहा है। हम लोग बोले कि जाके आप कुलपति से बात करिए, क्योंकि यहाँ पे छात्र संघ चुनाव ऐसा है कि अगर कल के डेट में अगर चुनाव यहाँ नहीं होगा तो जितने अभी मनमानी चल रही है बाद में बहुत ज़्यादा मनमानियाँ बढ़ जाएंगी। लड़कियों से आपको झड़प हुई है? लड़कियों से कोई झड़प नहीं हुई, क्वेश्चन करते रहे, मैं उन लोगों का जवाब देता रहा। उसमें बहुत से पूछा गया कि आप क्या कराएं, हम तो बताए उनको कि विश्वविद्यालय में अगर महिला सहायता केंद्र बना तो मेरे समक्ष में बना है और वहाँ पे हेल्पिंग डेस्क बना है तो मैंने ही बनवाया। और वो ये भी बताया कि मैं जितने 3-4 से मैनिफेस्टो थे मेरे चुनाव में, मैं पदाधिकारी बनने के बाद सभी मैनिफेस्टो का कार्य पूरे अच्छी तरह से किया, जिसमें कि मैं बोला था सेंट्रल विश्वविद्यालय की मांग करने के लिए। उसमें दिनेश शर्मा जी आए तो मैं ब्लैक शर्ट पहनकर उनका विरोध भी किया था, उस समय शिक्षा मंत्री थे। उनको मैं बताया कि अगर आज शासन चुनाव नहीं होगा तो कल के डेट में आपकी बातों को कोई सुनेगा नहीं। तो लोगों का कहना आरोप है कि क्या परीक्षा बंद करा करके ये लोग चुनाव लड़ेंगे? ये परीक्षा बंद करा के चुनाव लड़ने की बात आप कह रहे हैं, जिसमें कि ये कहीं ना कहीं गलत भी है सही भी है, क्योंकि परीक्षाएं तो चली हैं और उसमें ये बात है कि छात्र जो छात्र संघ पदाधिकारी हैं, प्रत्याशी हैं, उसमें ये मामला है कि अच्छा ये बताइए कि 1-2-3-4-5 महीने से प्रचार कर रहे हैं, अगर कल का डेट आपको दे दिया गया कल नामांकन है और अचानक बिना लिखित आदेश के अनुसार तुरंत छात्र संघ का आप उस दिन नामांकन करने बहुत से प्रत्याशी आते हैं और उसके बाद नामांकन नहीं होता है तो उसमें क्या होगा? तो हम लोग का यही कहना है कि अगर कल के डेट में ये तिथि घोषित नहीं करते हैं तो जितने भी प्रत्याशी हैं अगर आत्मदाह करेंगे तो ये विश्वविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है। तो क्या परीक्षा रोक करके आप चुनाव लड़ेंगे? मैं परीक्षा कुछ कोई जितनी परीक्षाएं हो रही हैं कोई परीक्षा नहीं रुक रहा है। अगर ये कोई मैसेज आपको दे रहा है तो गलत मैसेज है, कोई परीक्षाएं नहीं रुकी हैं। हाँ, जो क्लासेस चल रही हैं उनमें रिक्वेस्ट किया गया भाइयों बहनों कि आप हमारा समर्थन करिए, क्योंकि कल के डेट में अगर आपकी कोई परेशानियाँ होती हैं उसका हम लोग खड़े होकर उसका आवाज़ उठाने का काम भी हम ही लोग करते हैं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।